दो दो तीन तीन बार चालान जा रहा है। देखिए ये जो बात आप बता रहे हैं कि चालान की बात बता रहे हैं हेलमेट के लिए, अभी हम भी पटना में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि सभी लोग ये हेलमेट लगा के चल रहे हैं, जो पीछे भी बैठे हैं वो भी लगा चल रहे हैं, क्योंकि देखिए उसमें आपकी ही सुरक्षा होती है, जनता की सुरक्षा के लिए ही ये सब किया जाता है। अगर आप बोल रहे हैं कि हेलमेट लगा हुआ है आप फिर भी चालान कट रहे हैं, तो इसके लिए भी हमने विभाग को बोला कि इसको देखवा लीजिए क्या मामला है, अगर उस तरह की बात होगी तो उसको ठीक किया जाएगा। टेक्निकल फॉल्ट कहीं ना कहीं है मैडम, क्योंकि चालान एक तीन तीन चार चार बार एक ही व्यक्ति का कट जा रहा है। देखिए एक ही व्यक्ति का तीन चार बार चालान कटने का मतलब नहीं, मतलब है कि हम लोग जो एक्सीडेंट दर है उसको कैसे कंट्रोल करें, तो इसके लिए ये सब किया गया ताकि आने वाले दिनों में, देखिए आम जनता की सेवा करने के लिए ही हम लोग को आप लोगों ने चुना है, और तो हम लोग चाहेंगे ही कि सब लोग सुरक्षित रहे, जब राज्य सुरक्षित जनता सुरक्षित रहेगा तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे, इसीलिए इसको ध्यान में रख करके कि इस दर को कैसे घटाया जाए इसके लिए। देखिए आप इसको जिस लहजे में लीजिए ये आपकी सोच है और कि राजस्व के लिए किया जा रहा है, ये एक्चुअली में आप जो आप ही लोग कई बार में सवाल किया कि मैडम इतने एक्सीडेंट दर क्यों बढ़ रहा है, कई बच्चे चलाते हैं गाड़ी एक्सीडेंट कर जा रहे हैं, तो उससे बहुत तरह की परेशानियां हो रहा है, तो इसको ध्यान में नहीं, देखिए नियंत्रित करने के लिए जब तक आप कोई भी रूल और डिसिप्लिन को नहीं लाइएगा तब तक नियंत्रित नहीं होगा, तो डिसिप्लिन जरूरी है। आप दूसरे राज्य में जाते हैं कैसे आप सारे डिसिप्लिन को फॉलो करते, तो यहाँ क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं, हम और आप वहाँ जाते हैं तो सुरक्षित ठीक हो जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं होता, तो मानसिकता बदलने की जरूरत है और सब लोग सुरक्षित रहे इसके लिए ये कार्य किया गया है। कई सिग्नल भी खराब है, मामले पर आपने पिछले बार यही कहा था कि हम अधिकारियों से बातचीत करेंगे, आप कब बातचीत करेंगे, एक एक व्यक्ति का पांच पांच चालान कट रहा है। देखिए ऐसा है कि एक चालान बात करने की जहाँ तक आप बोल रहे हैं हमने बात किया और वो पता चला कि देखिए होता क्या है ना कि अगर कोई पर्टिकुलर एक जगह अगर चालान कट रहा है तो वहाँ उस रूट को छोड़ करके लोग दूसरे रूट पे चले जाते हैं, तो ये कुछ दिन तक ऐसे किया जाएगा ताकि ये चीज़ को नियंत्रित किया जाए, नियंत्रित करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैम आपको नहीं लगता कि ऑर्डिनेंस के लिए लोग कैसे चलाएं परिवहन कंट्रोल करने के लिए कुछ निर्देश जो लगाना चाहिए सभी तो लोग पालन करेंगे, किसी को पता ही नहीं है कि कैसे जाना है कैसे ले जाना है कैसे जाएंगे तो चालान कट जाएगा। देखिए ऐसा बात नहीं है, इसके लिए जब जो भी ट्रैफिक रूल के लिए कई प्रचार प्रसार भी किया जाता है, बच्चों में भी होता है और स्कूलों में भी, इसकी शिक्षा विभाग से भी हमारी बात हुई है, वहाँ भी हम लोग कोर्स में भी इसको चलाते हैं कि जब छोटा एज होता है अगर आप बचपन में कोई चीज़ सीखते हैं तो वो कभी नहीं भूलते, इसलिए ये कोर्स में भी लागू किया गया है कि ट्रैफिक रूल को पढ़ाया जाए ताकि हमारे बच्चे आने वाले दिनों में वो सीख सके और इस चीज़ को जान सके, इसके लिए भी ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अचानक किया जा रहा, सारी व्यवस्थाएँ किया गया है और देखिए नुक्कड़ नाटक का व्यवस्था किया जाता है, प्रचार प्रसार भी इसके लिए तेज किया गया है, तो सारे रूल को बताया जाता है, ये नहीं है कि अचानक किया जाए।